वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेकर आए क्लास एट्थ के लिए। क्लास एट्थ में हमने एक्सरसाइज 2.4 कराई थी क्वेश्चन नंबर 9 तक। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 और एक्सरसाइज 2.5 कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एक्सरसाइज 2.4। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये दिया है 3/3x-5 -2/4x-7 6/7x-4 +7/9(3x-5) ये दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ से एलसीएम आ गए 3x-5 एंड 4x-7। नाउ 3 × 4x-7 -2 × 3x-5। नेक्स्ट अगर इधर से हम एलसीएम की बात करें, 7 और 9 का एलसीएम कितना होता है 63, और साथ में ये हैं दोनों, तो 4x-7 and 3x-5। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ से 7 9 जा और 9 6 जा 54 और 3x-5। फिर है 9 7 जा 7 7 जा 49 एंड 4x-7। यहाँ से अगर हम देखें इक्वल है 3x-5 4x-7, ये कैंसल आउट हो गया पूरा। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या आएगा, 3 4 12x-21 -6x-10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो इधर क्या होगा, 54 3 जा 162x-270 +196x-343। ठीक है, और अपॉन में यहाँ कितना है, 63 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल अगर हम करें तो 63 से मल्टीप्लाई होगा इसमें। पहले हम इसको अगर यहाँ से देखें तो 12x 6x, यानी कि 6x बचेगा, उसके बाद माइनस का 11 बचेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इधर से हम देखें 162 और 196 तो कितना होगा, 6 6 2 8 9 और 6 15 358x-343 and -270, तो ये कितना हो जाएगा, 3 630। नाउ ट्रांसपोजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट, 63 × 6 378x-693 हो गया = 358x-630। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 378x-350x = -613, ये इधर जाएगा तो प्लस का होगा 693। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आएगा 20x = यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 80। x = 80/20 कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। दैट्स ऑल, यही x की वैल्यू है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। 11 पर ये क्वेश्चन है, यहाँ से हम देखेंगे कि 3 और 10 का एलसीएम होगा 30, ये 10 टाइम जाएगा तो 5x माइनस 3 माइनस 10 3 जा तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 20, 5 4 जा तो 4 8x माइनस 8 प्लस 1, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ आगे 50x माइनस 30 माइनस 9x प्लस 15 अपॉन 3 इज इक्वल टू 32x माइनस 32 प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे 2 से तो ये 100x हो गया माइनस 60, उसके बाद है माइनस 18x प्लस 30 इज इक्वल टू 96x माइनस 96 प्लस 3 बन गया 3, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे फिर तो कितना आ गया, 14x आ गया क्योंकि 100x और ये है हमारा, देखो नाइन ट्रांसपोजिशन ही कर लो पहले, ये आ जाएगा 100x माइनस 96x माइनस 18x इज इक्वल टू माइनस 96 प्लस 3 और प्लस का 60 और माइनस का 30, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ये 4 यहाँ से बचा और ये प्लस का 4 बचा तो माइनस का 14x इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम देखें 96, देखो ये 30 इसमें से कैंसिल हो गया, 30 प्लस का बचा तो 66 हो गया, ठीक है। 66 में से 3 जाएगा तो माइनस का 63, ये कैंसिल आउट हो गया, देन एक्स इज इक्वल टू 63 अपॉन 40, दैट्स ऑल, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 63 अपॉन 40, दैट्स ऑल। इसके आगे चलिए, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ इसने दिया है 3/5 x माइनस 4 माइनस 1/3 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/4 x माइनस 1 माइनस 2। यहाँ से सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 3x अपॉन 5 माइनस 12 अपॉन 5 माइनस 2x by 3 प्लस 9 by 3 इज इक्वल टू x by 4 माइनस 1 by 4 माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो 3 हो जाएगा, अब क्या करते हैं ट्रांसपोज कर दें, तो 3x अपॉन 5 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस x by 4 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12 by 5, ये प्लस का है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा और ये है ही माइनस में। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 60 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 12 टाइम 23 36x माइनस 40x माइनस 15x, इधर से अगर एलसीएम की बात करें तो 20 एलसीएम आ गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 48 माइनस 60 माइनस 15 और माइनस 40, ठीक है। यहाँ ये इससे 3 टाइम कट गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे 40 और 15 माइनस 36 तो 4 और ये हो गया माइनस 19x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 48 प्लस का है 60 और 75 और 40 हो गया आपका 115 में से क्या कर दें 48 को माइनस कर दें 7 10 में से 4 गया तो 6 115 आ गया। इसके बाद हम देखें 60 15 और 40 कितना होगा,
150, ठीक है, ये हो गया हमारा 115 और 48 अगर माइनस कर दें ये बचेगा 67, माइनस का 67 इंटू 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 19x इज इक्वल टू 67 कहाँ से आएगा, 5 आएगा ना, ठीक है, ये 5 आएगा तो फिर ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा 57, 10 सीधा कम होगा 17, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 171 अपॉन 9, तो 99, तो ये 19, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, x की वैल्यू कितनी होगी 9, 9 इज का आंसर, दैट्स ऑल। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, थर्टीन का मतलब है x प्लस वन बाई थ्री 2x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12 माइनस x प्लस 4 अपॉन 3। चलिए यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ जाए x प्लस 2x बाई 3 माइनस 1 बाई 3 और यहाँ से ये तो हमने ओपन कर लिया, यहाँ से ये है माइनस का 3x प्लस 1 अपॉन 5, इधर से अगर हम एलसीएम लें तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 36 माइनस x प्लस 4, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से हम एलसीएम लें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, 15x प्लस 3 5 5 10x 3 5 5 1 5, ठीक है, और यहाँ अगर 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 1 इस गल टू ये 36 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 3, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 15x 10x, फिर अब ये ब्रैकेट भी रह रहा है, तो ये तो हो गया हमारा कितना 25x माइनस 5 माइनस 9x माइनस 3 अपॉन 15 इस गल टू ये कितना हो जाएगा 32 माइनस x अपॉन 3 25 में से 9 अगर माइनस कर दें तो 16x माइनस 8 इज इक्वल टू 160 माइनस 5x, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 21x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस का, तो 160 x इज इक्वल टू कितना होगा 168 अपॉन 21, तो कितना टाइम कट जाएगा 8 टाइम, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 8, दैट्स ऑल। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 8। ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, क्वेश्चन 14 ये है 1/5 2x प्लस 1 माइनस 1/3 x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x/5 + 1/5 - x/3 + 2/3 इज इक्वल टू
एच माइनस 73/3। ठीक है, अब इसको क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, 2x/5 माइनस x/3 माइनस एक्स इजकल टू, हाँ तो माइनस 73/3 है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया, ये प्लस का है, ये भी इधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 3 3 2 6x 3 5 तो 5x माइनस 15x इजकल टू, यहाँ से भी 15 एलसीएम आ जाएगा, 3 5 और 5 × 73 ये हो गया माइनस 5 3 का और 3 5 का 5 2 10, यहाँ 15 से 15 10 से लोगे, यहाँ हम देखेंगे 15 और 5 20 20 में से तो माइनस का 14x इज कल टू, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो x इज कल टू कितना आ जाए 7 3 17 8 14। ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व कर दें, 14 2 28, ठीक है 378 को अगर 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 2 28 तो ये बचेगा 9 और ये आगे 8 तो ये 7 टाइम, यानी कि ये 27 टाइम बच गया, एक्स की वैल्यू हमारी हो गई 27। दैट्स ऑल, यही है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट है। इसमें दिया है x माइनस, क्वेश्चन नंबर 15 है x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 10 अपॉन 10 इजकल टू 1/6 3x माइनस 62 माइनस 5/3 ये दिया है। यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये तो x माइनस यहाँ से आ गया 10 एलसीएम, 10 3 30x माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 10 रहेगा ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देखें तो ये आ जाएगा 3x/6 और माइनस 62/6 और माइनस 5/3। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देखें, यहाँ से देखेंगे तो x माइनस, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 30x माइनस 3x प्लस का 10 अपॉन 10 ये आ गया, इधर से अगर एलसीएम देखें तो 6 एलसीएम हो गए, 3x माइनस 62 माइनस 3 2 5 2 10। ठीक है, चलिए अब इधर से देखेंगे तो यहाँ 10 एलसीएम आएगा इसका और इसका, तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस, अब ये ब्रैकेट में है, जब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30x प्लस का 3x और माइनस का 10 इस कर्टन, ये हमारा हो गया 3x माइनस का 72/6। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीपल पहले इसको सॉल्व करो, 10x 30x 3x तो 20x 20x में से 3x तो 17x माइनस का 17x माइनस का 10/10 इज इक्वल टू 3x माइनस 72/6। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल अगर हम करें तो ये कितना होगा, होगा 102 माइनस का 102x माइनस का 10 6 60 इज इक्वल टू 30x माइनस 720। ठीक है, ये आया, अब इसके बाद ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज में जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो 102x माइनस का 30x इस कर को माइनस 720 और ये इधर जाएगा प्लस का 60 हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो 102 ये भी माइनस का 132x इस कर को इधर कितना हो जाएगा 60 में से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 640, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x इस कर को
640 अपॉन 132, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व कर लो, कितने टाइम जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना है कि कितने टाइम जाएगा यहाँ से। सिक्स फोर्टी नहीं, ये माइनस करेंगे 660 आएगा, 660, ठीक है। ये 20 तो ये हो गया, फिर 40 माइनस करेंगे 660, तो इससे कट गया कितनी, 5 टाइम। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5, दैट्स ऑल। इतना करना है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में कर लो उसको, और फिर लीनियर फॉर्म में यही है, ठीक है। इसी टाइप से हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, 2.4। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.5। इसमें 10 क्वेश्चन हैं, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ दिया x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ तो डायरेक्टली क्या है, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 8 का इसके साथ कर दो, तो 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 9, और ये क्या होगा, माइनस 8, तो ये कितना होगा, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/5, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है, देखो बहुत सारे मेथड है, कोई मेथड इसने पूछा नहीं है, सिर्फ सॉल्व लाइक फॉलोइंग इक्वेशन, ये आपको करना है, या क्रॉस मल्टीपल कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारी एक्सरसाइज है 2.5, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ क्या है, यहाँ है 4x अपॉन 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक ही बात है, या तो हम क्रॉस मल्टीपल कर लें, या हम क्या करते हैं, 2x प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर लें। तो हम देखो दूसरा तरीका है, 4x में 2x प्लस 7, और ये है हमारा 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 7। सेम चीज़ वही है, यहाँ से यार ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6x प्लस 21। तो ये अगर हम इसको 6x को इधर ले आए, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन, ठीक है। इस टाइप से हमें कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2, माइनस 21 अपॉन 2। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ 2y प्लस 3 अपॉन y माइनस 9 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7।
सेम कंडीशन है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि 7 × 2y + 3 = 2 × y − 9। मल्टीप्लाई करोगे 7 × 2 = 14y + 21 = 2y − 18। तो ये क्या हो जाएगा, देखो y वेरिएबल्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, 14y − 2y = −18 और −21, तो −12y = −39। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो y = 39/12। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 3। या 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 × 4 = 13, यानी कि 13/4। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ये है 5 − 7x / 2 + 4x = −8/7। ठीक है, यहाँ भी क्या है, सीधा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 7 × 5 − 7x = −8 × 2 + 4x। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, −16 और −32x, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो −49x + 32x = −16 और −32। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 2 = 7, −17x = −51 आ गया, तो x = −, से तो माइनस कैंसिल आउट, 51/17, 17 × 3 = देन x = 3। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 2x − 9/3x + 4 = −1। ठीक है, यहाँ भी देखो अपॉन में 1 कर लो, क्रॉस मल्टीपल कर लो, 2x − 9 = −1 के साथ क्या है, 3x + 4। यहाँ से सॉल्व करोगे, 2x − 9 = −3x − 4। 2x ट्रांसपोज करोगे, +3x = −4 + 9। 3 और 2 क्या होगा, 5x = 5, देन x = 5/5, 5 × 5, देन x = 1। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 5x − 11 / 3x + 7 = −2। सेम है, अपॉन 1 कर लो, क्रॉस मल्टीपल कर लो, 5x − 11 = −2, किसके साथ मल्टीप्लाई में है, 3x + 7। सॉल्व करोगे, 5x − 11 = −6x − 14। 6x को इधर लेके आओगे, 5x + 6x = −14, इसको इधर लेके जाओगे, +11, देन 11x = −3x = −3/11। दैट्स ऑल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसके आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इसके आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं 7, 8, 9, 10 में। फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये जो वाई स्क्वायर, वाई की कोई ऐसी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करे, y² + 1/y² − 1 = 4/5/4, ये दिया है।
ठीक है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्या करें, मतलब यहाँ y स्क्वायर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y की जगह हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे y स्क्वायर की जगह, तो y स्क्वायर की जगह क्या होगा, x प्लस वन अपॉन नीचे भी क्या होगा x माइनस वन इज इक्वल टू फाइव अपॉन फोर। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फोर एक्स माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव और माइनस फोर, यहाँ से क्या बचा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस नाइन, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया नाइन आ गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू कितना नाइन है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया नाइन, तो y की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट नाइन, देन y इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। अब इसमें प्लस में पूछी है तो y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई थ्री, दैट्स ऑल। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में क्या है कि प्रेजेंट एजेज ऑफ मोहन एंड गोपाल आर इन द रेशियो 4:5, 8 years नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 5:6, फाइंड द देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड गोपाल आर इन द रेशियो, मोहन और गोपाल की जो प्रेजेंट एज है वो 4:5 में है, ठीक है। चलिए तो मान लो, देखो लेट मोहन एज इज इक्वल टू 4x हो गई क्योंकि 4:5 में थी, और लेट गोपाल एज कितनी हो जाएगी 5x, ये क्वेश्चन नंबर है 8। अब उसने क्या बोला है कि 8 years from now द रेशियो ऑफ देयर एज, 8 साल आगे, ठीक है, तो 8 years from कितनी हो जाएगी 4x plus 8, यहाँ लिख लेना 8 years from now मोहन एज, अब प्रेजेंट में 4x है तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 4x plus 8 हो जाएगी, उसके बाद 8 years from now गोपाल एज, अब कितनी है 5x, तो ये हो जाएगी 5x plus 8। अब उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है स्टेटमेंट, तो क्या है कि इनका जो रेशियो है 4x plus 8 upon 5x plus 8, इनका रेशियो कितना हो जाता है 5:6, यानी कि 5/6 हो जाता है, रेशियो मतलब डिवाइड, तो देखो वही चीज़ बन गई, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर दें, 6 4 24x, 6 8 48, 5 5 25x और 5 8 40, यहाँ से देखेंगे 25 इधर आएगा, तो 24x minus 25x इज इक्वल टू 40 minus 48, तो माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो वो मोहन एज कितनी है, मोहन एज है 4x, मोहन एज इज इक्वल टू 4 into 8 यानी कि 32, एंड गोपाल एज कितनी है 5x, यानी 5 into 8 यानी कि 40 32 ईयर और 42 ईयर्स, जी हाँ, ठीक है 32 ईयर्स और 42 ईयर्स। चलिए इसके बाद आता है इसका क्वेश्चन नंबर 9, 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 है द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी 7:9, 9 ईयर एगो
देयर एजेस वर इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बताना है। देखो प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, तो सबसे पहले यहीं मान लो लेट ए प्रेजेंट एज इज प्रेजेंट एज, ए की जो प्रेजेंट एज है वो मान लो कितनी एक्स, ठीक है नहीं अच्छा रेशियो दिया है इसने 7:7, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी 7x, और बीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 9x हो गई। अब उसने बोला 9 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट में 7x है तो 9 साल पहले क्या होगा, 9 साल कम हो जाएगी, ठीक है, तो 9 ईयर एगो एज 7x-9, फिर उसके बाद 9 ईयर एगो बीज एज कितनी हो जाएगी 9x-9। अब रेशियो कितना दिया था इतने दिन पहले, रेशियो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि 7x-9/9x-9 इज इक्वल टू क्या रेशियो है 2:3 से मल्टीप्लाई कर दो 21x-27 इज इक्वल टू 18x-18 को इधर लेके आएंगे तो 21x-18x इज इक्वल टू -18 + 27, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x आएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 9, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 9/3, 3 से 3 टाइम कर गए 3, x की वैल्यू 3 हो गई। प्रेजेंट एज, एज प्रेजेंट एज कितनी हो गई 7x है, यानी 7 × 3 इज इक्वल टू 21, और बीज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 9x, तो 9 × 3 इज इक्वल टू 27 ईयर्स, ठीक है। ये ए की प्रेजेंट एज है, एज प्रेजेंट एज 7 × 3 और बीज प्रेजेंट एज 9x, यानी कि 9 × 3 27 ईयर्स। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 4, जो न्यूमरेटर है सबसे द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। देखो डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो ज़्यादा है तो न्यूमरेटर हम मान लें, तो लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा x+4, क्योंकि 4 ज़्यादा है, उसने बोला 4 ज़्यादा है, ठीक है। उसने बोला इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 11, अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज कर दिया जाए, इंक्रीज बाय 11 न्यूमरेटर, शॉर्टकट में लिखा है NUM, न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x+11, और फिर उसने बोला है एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या है डिक्रीज है बाय कितना है डिक्रीज बाय 1, ठीक है, तो 1 कितना होगा x-3 हो गए। फिर उसने बोला है द न्यू नंबर बिकम 7/3, यानी कि जो नया नंबर होगा x+11/x-3 इज इक्वल टू कितना है वो 7/3 हो जाएगा। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीपल करके हम देखें तो 3x+33 इज इक्वल टू 7x-21, 7x को इधर लेके आ जाएंगे तो -4x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का ये कट जाएगा x इज इक्वल टू 54/4,
ठीक है, तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई, हाँ 2 जा, हाँ 2 से 27, यानी कि 27/2, ठीक है। चलिए अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी कि वो जो फ्रैक्शन हमें बताना है, ठीक है। यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर आ गया वो 27/2 आ गया, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो इज इक्वल टू क्या होगा, 27/2, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x प्लस 4, यानी कि 27/2 + 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 LCM आएगा, 27 + 8 कितना आ जाएगा, 35/2, तो ये डिनोमिनेटर होगा। तो नंबर क्या होगा फिर, तो नंबर इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर यानी कि 27/2, और नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर 35/2, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व अगर हम करें तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 27/35 आ गया, ठीक है। 3 से अगर 39 जा, और नहीं ये 3 से कटेगा नहीं, 27/3/7 आ गया, कहीं गड़बड़ है कुछ। इसने क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 4, न्यूमरेटर से 4 ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर x प्लस 4 हो गया। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 11, न्यूमरेटर को इंक्रीज बाई 11 कर दें और डिनोमिनेटर को डिक्रीज बाई 1 कर दें, ओहो डिक्रीज बाई 1 है, डिक्रीज बाई 1 हमने 3 कर दें, हाँ तो डिक्रीज बाई 1 करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि ये क्या आएगा, ये आएगा x प्लस 4 माइनस 1, तो ये x प्लस 3 आएगा ना कि x माइनस 3, तो ये x प्लस 3 आएगा। देखो यहाँ से कुछ गड़बड़, जल्दी जल्दी में थोड़ा साइन वाइन गड़बड़ हो जाती है। चलो यहाँ से देखते हैं हम, तो ये क्या आएगा, 3x + 33 इज इक्वल टू 7x + 25, तो इधर लेके आएंगे माइनस का 4x और ये इधर जाएगा तो माइनस का 12, ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना होगा, 3, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, x प्लस 4, यानी कि 3 + 4 इज इक्वल टू 7, तो नंबर कितना हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कितना है 3 और डिनोमिनेटर कितना है 7, तो ये हमारा नंबर हो गया 3/7। दैट्स ऑल, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। इस वीडियो में 3 एक्सरसाइज है, 2.3, 2.4 और 2.5, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, ठीक है। 3 एक्सरसाइज है इसके अंदर, आप कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आता है वीडियो ऑन कीजिए, देखिए एक बार इसको समझिए, फिर दोबारा कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ओके।